आगे बढ़ते ही ये आ जाएगी आपकी एंट्रेंस लॉबी। आराम से यहाँ पे आप अपनी चाय कॉफी का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से 4 सीटर या फिर 6 सीटर अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको विंडो प्रोवाइड की गई है। नमस्ते, मैं हूँ भाग्यश्री। हमेशा की तरह आपके लिए आज भी एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो कि लोकेटेड है न्यू वाकड़ में। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही नज़दीक आ जाएगा आपका अपना नया फिनिक्स मिलेनियम मॉल। यहाँ से पास है डीकैथलॉन हाईवे, सारी फैसिलिटीज़ और इस प्रोजेक्ट में मिल रही है आपको भरपूर सी एमिनिटीज़। प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये लैंड पार्सल फैला हुआ है 4.5 एकर्स में। यहाँ पे 2 और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है, पर इनके सारे 2 BHK ऑलरेडी सोल्ड आउट है एंड 3 BHK भी बहुत कम रह गए हैं। तो जल्द से जल्द ये वीडियो पूरा देखिए और हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। अब अगर बात करें हम 3 BHK के प्राइसिंग का एंड पोजीशन की, तो वो स्क्रीन पे दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके जल्द से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा सैंपल फ्लैट टूर। अभी हम देख रहे हैं 3 BHK सैंपल फ्लैट अपार्टमेंट का टूर। इसका कार्पेट एरिया है 1040 square feet। यहाँ पे आपको मिल जाता है हाइक विजन, ये डोर मिल जाता है एज इट इज ऑफकोर्स विद डिजिटल लॉक जो कि एक्सेस होता है आपके थंब से, स्कैनर से, पैटर्न से, कार्ड से एंड आपकी की से भी। आगे बढ़ते ही ये आ जाएगी आपकी एंट्रेंस लॉबी। यहाँ पे आप शू रैक बना सकते हैं, ऊपर चाहे तो आप फोटो फ्रेम्स या अदर आर्टिफैक्ट्स भी लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा आपका स्पेशियस सा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप आराम से बड़ी सी सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, आपका सेंटर टेबल लगा सकते हैं, चाहे तो वहाँ पे डेकोर लगा सकते हैं। सामने आ जाएगा आपका वॉल माउंट LED TV एंड ऑफकोर्स इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगी आपकी बालकनी। चलिए देखते हैं, ये आ जाएगी आपकी ब्यूटीफुल सी बालकनी। ये रीलिंग आपको यहाँ पे एज इट इज मिल रही है। आराम से यहाँ पे आप अपनी चाय कॉफी का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आप फूल पौधे भी चाहे तो लगा सकते हैं। चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं आपके डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ये आ जाएगा आपका शानदार सा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप आराम से 4 सीटर या फिर 6 सीटर अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। मेरे ठीक पीछे आ जाएगा आपका किचन। तो हम देखते हैं, यहाँ पर मिल रहा है आपको एल शेप किचन प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे आराम से कुकटॉप रख सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन लगा सकते हैं, ऊपर लॉफ्ट, नीचे ट्रॉलीज बना सकते हैं। ये आपकी डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड की गई है जहाँ पे एक बड़े साइज का रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइल ड्रॉप के साथ मिल जाती है आपकी ये ड्राइव बालकनी। यहाँ पे आप आराम से एक वॉशिंग मशीन रख सकते हैं एंड ऑफकोर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको एक सिंक। चलते हैं यहाँ से आगे। तो आगे बढ़ते ही आ जाता है आपका ये सुंदर सा कॉमन एरिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिन, चाहे तो आप नीचे लॉफ्ट बना सकते हैं, कैबिनेट्स बना सकते हैं। यहीं पे आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम, आप जाके देख सकते हैं। ये ठीक सामने आ जाती है आपकी सुंदर सी फर्स्ट बेडरूम, चाहे तो इसे एक्टिविटी रूम, हॉबी रूम या फिर गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इन्होंने कितना शानदार इंटीरियर किया है। बेड की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बेड भी आ जाएगा, वार्डरोब के लिए भी डेडिकेटेड स्पेस है, चाहे तो यहाँ पे टेलीविजन सेट लगा, यहाँ पे छोटा सा एक टेबल बना है वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर बुक शेल्फ बना सकते हैं। अब हम बढ़ते यहाँ से आगे। आगे बढ़ते ही ठीक सामने आ जाती है आपकी ये सेकंड बेडरूम। अगर घर में बच्चे हैं तो इसे किड्स बेडरूम बना सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसे कुछ अलग एक्टिविटी रूम भी बना सकते हैं। बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा सा बेड आ जाएगा, दोनों साइड आप चाहे तो टिपॉय रख सकते हैं, टेबल लैंप लगा सकते हैं, वार्डरोब के लिए भी काफ़ी अच्छी सी स्पेस है, चाहे तो वहाँ पे एक छोटा सा डेस्क लगा सकते हैं, यहाँ पे बुक शेल्फ या फिर टेलीविजन सेट भी बना सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया से आपको विंडो भी प्रोवाइड की गई है और इसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको विंडो प्रोवाइड की गई है जो कि सपोर्ट करता है आपका क्रॉस वेंटिलेशन। और यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। प्लीज हैव अ लुक। अब आगे बढ़ते हैं आपकी थर्ड बेडरूम जो कि है आपकी मास्टर बेडरूम।
वाह, आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर और कोजी बेडरूम है। यहाँ पे आप अपना किंग साइज बेड लगा सकते हैं, दोनों साइड लगा सकते हैं टेबल लैम्प, वार्डरोब के लिए भी काफी बढ़िया सी स्पेस दी गई है। चाहे तो यहाँ पे टेलीविजन सेट लगाए, यहाँ पे बुक शेल्फ बनाए, वेंटिलेशन के लिए ये बढ़िया सी विंडो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आ जाएगी आपकी पर्सनल बालकनी जो कि डिसेंट साइज की है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम। चलिए देखते हैं। आई होप आपको ये सैंपल फ्लैट और अच्छी लगी होगी। इस फ्लैट की अच्छी या खास बात आपको क्या लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।